treatment is such a present we have. उन्होंने टीवी एंड मीडिया इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी लोफरों की पार्टी है। ये अल्फाज से हमें बहुत सदमा हुआ। मैं केटीआर से पूछना चाह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी लोफर है तो तुम्हारा बाप भी लोफर है, इसलिए कि तुम्हारा बाप कांग्रेस पार्टी के युग कांग्रेस से लेकर उनका जन्म जो हुआ है कांग्रेस पार्टी में हुआ और उनकी शुरुआत कांग्रेस में सियासी कांग्रेस से शुरू हुई। तो इसे मालूम हुआ कि तुम्हारा बाप बड़ा लोफर, तुम छोटे लोफर, तो तुम लोफर के बेटे हैं। अपनी जबान को कंट्रोल करो, अगर तुम्हें उतना जोर है तो मरकज से तो तुम एक पैसा नहीं ला सके। मरकज से लड़ने के लिए तुम्हारे पास दम नहीं है, इसलिए कि तुम पे तुम्हारे बाबा के ऊपर मोदी साहब के पास इतने डॉक्यूमेंट्स है, वो कभी भी तुमको जेलों में सलाखों के पीछे रख सकते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी तेलंगाना दी आज वो पार्टी के कह रहे कि लोफरों की पार्टी, शर्म आना तुमको, हमारी जीत थी, भूल गए तुम तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारी अम्मा, पूरे तीन जनरेशन जाकर सोनिया गांधी कहे कि सोनिया अम्मा आप तेलंगाना के देवी हैं, तो आप देवी के की पार्टी को कह रहे हैं कल तक देवी, तब तक कांग्रेस पवित्र पार्टी, और आज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लोफरों की पार्टी। इसका हिसाब किताब आवाम बहुत जल्दी करेंगे, इनको इनके सिलसिले से, इनके काउंसिल से हुए, इनको मार मार कर पब्लिक हका लेंगी। इनके जो वादे थे इलेक्शन के वादे, वहां मोदी भी इलेक्शन के वादों पे 15 लाख कहा है पूछे तो बोल रहे, राफेल में स्कैंडल उसके बारे में अगेंस्ट बोल रहे। इसी तरीके से यहाँ 12% मुस्लिम रिजर्वेशन, इनका एक एमपी मुंह नहीं खोलता, ना केटीआर बात करता, ना केसीआर बात करता, ना पार्लियामेंट में आवाज उठाते। तो ये धोखा देने के लिए, ये इसको चेंज करने के लिए कांग्रेस को आओ गाली दो। मैं केसीआर साहब का चैलेंज कर रहा हूँ कि आप 100 सीट जीतते बोल रहे, अगर आपको इतनी हिम्मत है तो आपका रिजिग्नेशन यानी इलेक्शन के बाद अगर 100 सीट नहीं आए, और मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार 2019 में नहीं आए, मैं सियासत से किनारे कशी हो जाता हूँ। आप, आपके बाप, आपके बेटे, तुम सब मिलकर खानदान रेडी है तो दोनों मिलकर असेंबली के सामने गन पार्क है जहाँ ये शहीदों का मुझे वहाँ अमरलवीर लोगों तो शहीद मार्ग जो है वहाँ तुम्हारा भी लेटर लगाओ, हमारा भी लेटर लगाओ, क्योंकि तुम धोखेबाज है, झूठे है, झूठों के शहंशाह है। आप तेलंगाना अगर बनने के बाद महिला सीएम दलित सीएम हुआ बोल के कहे, नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा, गर्दन तो नहीं काटे, नाखून भी नहीं काटिए। तो इसीलिए आप, हम दोनों मिलकर अपना इस्तीफा वहां लगाएंगे, तुम 100 सीट लाएंगे तो हम किनारा कश होते, हम सरकार लाए तो तुम किनारा कश हो जाओ, ये हमारा चैलेंज है।